जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है, आज आप बताइए कि जब हमारे देव पितर हमारे घर में आ जाते हैं तो हमें क्या संकेत मिलता है कि आपके घर के जो पितर देवता में गिने जाते हैं वो पितर घर के अंदर अगर मौजूद है और आपके घर में आपके लिए जो है कार्य कर रहे हैं तो क्या क्या संकेत आपको मिलेंगे। अंत तक बने रहना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। क्या होता है कि जब देव पितरों का आगमन आपके घर में होता है, ये आगमन प्रभु की कृपा से ही होता है, आपके इष्ट आराध्य की कृपा से होता है। माना जाता है कि जब आपके इष्ट आपसे प्रसन्न होते हैं या कुल की देवी देवता आपसे प्रसन्न होने लगते हैं तो आपके देव पितर भी आपके घर में प्रसन्न होकर उनका आगमन होने लगता है। उनका आगमन कुल रूप में ही देखा जाता है, जैसे कि कुल की शक्ति। जैसे कि किसी भक्त ने मान लीजिए पूजा याचना करी है अपने इष्ट आराध्य की और उस पूजा याचना करने के बाद अपने शरीर का त्याग कर दिया है, शरीर उनकी आयु पूरी हो गई, शरीर का त्याग हो गया, लेकिन क्या उनकी भक्ति व्यर्थ गई? कभी भी भक्ति व्यर्थ नहीं करती, देव रूप में होती है। या आपके परिवार में कोई 10 साल से कम आयु का बच्चा गया हो, उत पितर में गिना जाता है, देव पितर में आ जाता है, अगर देवता की श्रेणी में पूजनीय रूप में आ जाता है। तो ये पितर जो होते हैं हमारे घर की रक्षा करते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा था कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, 60,000 पुत्रों में उन्हें अभिशाप लगा हुआ था, श्राप लगा हुआ था कपिल मुनि के द्वारा कि तुम भस्म हो जाओ और तुम्हारी सदगति भी ना हो। तो जब कपिल मुनि को प्रसन्न किया भगीरथ ने और पूछा कि किस प्रकार से इन पितरों का उद्धार होगा, ये तो हमारे कुल के ऊपर एक अभिशाप लग गया, तब उन्होंने एक माध्यम बताया कि गंगा को धरती पर लाना होगा, गंगा जल से ही जो है ये पितर जो है आपके पवित्र होंगे। इसी प्रकार से जब आप अमावस्या का मौका हो और आपका ऐसा चांस बन जाए कि आप गंगा स्नान करने चले गए हो और आपके जाने में कोई रुकावट नहीं आ रही है तो समझ लेना कि देव पितरों का आगमन आपके ऊपर आ रहा है, देव पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। दूसरी बात ये, अमावस्या के दिन घर में संतान का जन्म होना, अगर संतान आपकी अच्छी जन्म हुआ है या अमावस्या के दिन आपके घर में मांगलिक कार्य कोई भी ऐसा अच्छा कार्य हो जाता है, जैसे कि आपके लड़के की कोई गवर्नमेंट जॉब लग गई है या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो है मानो जो जिसकी रजिस्ट्री में मानो आपको प्रॉफिट हुआ है अमावस्या के दिन, इससे आपके पितर जो है प्रसन्न, आपके देव पितरों की कृपा आपके परिवार पर हो रही है, कुल श्रेष्ठ देवी की कृपा भी आपके ऊपर हो रही है। फिर सबसे बड़ी बात यह है, शादी विवाह में काफी रुकावटें रहती थी लेकिन अब जो है अमावस्या के दिन भी आपके अचानक ही सडनली ऐसा प्रोग्राम बन गया कि घर में कोई देखने आया और आपकी बात जम गई, तो ये स्पष्ट तौर पर संकेत दिख रहे हैं आपके पितर प्रसन्न होने के। घर में जब आप आते हो, आपकी पत्नी आपके लिए पानी का गिलास लेकर आ रही है, साथ में बच्चे पढ़ाई में अव्वल होते जा रहे हैं, इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, तो पितृ की कृपा आपके परिवार पर हो रही है। क्या जो है बिजनेस में भी हमें प्रॉफिट होता है तभी पितरों की कृपा होती है? चाहे बिजनेस होता है, व्यापार होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन, अगर आपका लेन देन का कोई भी व्यवहार कहीं से भी चल रहा है उस व्यवहार से आपको प्रॉफिट उत्पन्न हो रहा है, बहुत ही ज्यादा लाभ उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे द्वारा कुछ त्रुटियां की भी होती है, उन त्रुटियों को हम जब भक्ति पूजा पाठ करते हैं तब वो जो त्रुटियां की भी होती है, जो गलतियां की होती है, वो जो हमारे जो पाप होते हैं वो हमारी भक्ति पूजा से पवित्र होने लग जाते हैं। इस दौरान क्या होता है कि हमारे द्वारा अगर कोई गलत कार्य भी किया हो या आपके बच्चे भी कोई गलत कार्य कर रहे हो और अब वो सुधर रहे हैं, आपके घर में अब सुधार का मौका हो रहा है, तो ये सब पितरों की कृपा से ही हो रहा है। क्योंकि पितर अगर आपका साथ देते हैं, बाहर की नकारात्मकता आपके ऊपर हैवी नहीं होती है। मान लीजिए आपके घर के अंदर रक्षा कवच नहीं है, आपके घर के अंदर सुरक्षा कवच नहीं है, लेकिन आपके घर में एक देव ऊत पितर है,
अगर देव ऊत पितर है आपके घर में तो एक ऊत 100 भूत के बराबर है, एक ऊत पितर 100 भूत के बराबर है। चाहे कितने से बड़े भयंकर नकारात्मकता आपके घर में बढ़ने की कोशिश करे, अगर आपके घर में देव पितर श्रेष्ठ है और उस पितर के आप मानता करते हो तो आपके घर में वो अपनी जगह नहीं बना पाएगा। ऐसा कई हाँ कोई भी प्रेत होता है तब तो, अगर ऐसा अगर हम कोई स्थान बनाते हैं, मान लीजिए हमने कोई स्थान बनाया है पितरों के नाम का, और उस पितरों के नाम के स्थान पर अगर कोई मलिन शक्ति बैठती है तब भी हमें नुकसान होता है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। लेकिन अगर हमारे पितर ही वाक्य में पूजा ग्रहण कर रहे हैं तो हमारे साथ कुछ ऐसे भी होते हैं कि हमारे दीपक की बाती में फूल भी बनता है, उस ओक में जो हम बनाते हैं वहां पर पितरों के स्थान पर, वहां पर जो दीप लगाते हैं लेटी बाती में भी फूल बन जाता है, ऐसा भी होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी आत्मा संतुष्ट होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को जैसे जिनके घर में देव पितर जो है खुश हैं और हमारे ऊपर कृपा भी कर रहे हैं, तो उनकी पूजा में क्या नियम उन व्यक्तियों को रखने चाहिए? उनको सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि गऊ की रोटी जो है नियमित रूप से उनके घर से निकलनी चाहिए, कुत्ते की रोटी भी नियमित रूप से उनके घर से निकलनी चाहिए, दे पक्षी कौवा मछली और चींटियां इनके लिए जो अनाज है जो खान पान है वो अपने हाथ से कुछ ना कुछ दान जो है निकालते रहे, ब्राह्मण के घर भी दान प्रभात करते रहे। क्योंकि और सबसे बड़ी बात, जो दुखी है, जो किसी भी प्रकार का दुखी है, अपने देव पितरों के नाम के, अपने कुल श्रेष्ठ देवताओं के नाम की, कुल देवी के नाम की किसी न किसी प्रकार के दान अगर वो निकालते हैं क्या तो अमावस्या पे विशेष दान उस व्यक्ति को निकालना चाहिए। अमावस्या पे विशेष दान सबसे बड़ा ये होता है कि जैसे हरा चारा आप निकालते हो, बहुत सारे लोग अमावस्या पे निकालते हैं, मैं कहता हूं कि ये हरा चारा आपको हर मंगलवार के दिन, हर मंगलवार के दिन जो है आपको हरा चारा देना चाहिए माता को, गौ माता को, क्योंकि देना चाहिए अपने देव पितरों के नाम के। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें अगर आपके हाथ से कुछ ना कुछ दान निकलेगा तो आपके घर में सुख शांति वैभव और प्रकाश में ज्योति बनी रहेगी और आपके पितरों को दूर तक दृष्टि, मान लीजिए अगर आपके परिवार में कोई चौकी भी लगाता होगा या कोई भक्ति भाव बहुत गहरे रहस्य विद्या किसी ने हासिल करी होगी तो वो शक्ति भी आपको प्राप्त होगी जो नियमित रूप से कार्य करता है। जिस प्रकार से अगर आप लगातार अपने पितरों की सेवा करते हो, अपने इष्ट आराध्य की सेवा करते हो, घर के अंदर जो बुजुर्ग है अगर उनकी सेवा करते हो, अगर घर में कोई भी नई सामग्री आती है तो सबसे पहले आप अपने कुल देवता कुल देवी और पितृ देव पितरों का आह्वान करते हो, उनका ध्यान करते हो, अपने इष्ट का ध्यान करते हो, अपने बड़े बुजुर्गों को उस चीज, मान लीजिए आपने किसी रूम में एसी लगवाया है और घर में पहली बार अगर आप एसी लगा रहे हो या कुछ भी ऐसा काम किया तो अपने बुजुर्गों को पहले वहां लेकर जाओ, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इससे आपका बृहस्पति भी सॉलिड रहता है, पति पत्नी के विचार भी अच्छे रहते हैं और साथ में बच्चों में संस्कार की मर्यादा उत्पन्न होती है। और हनुमान चालीसा का पाठ जो है अपने घर में नियमित रूप से रखना, अगर आपके घर में देव पितर आ गया, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से कभी भी कोई भी पितर बंधन में नहीं रह सकता जिसके घर में हनुमान जी की कृपा हो, हनुमान जी का आशीर्वाद जिस घर में प्राप्त हो जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।